YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट जो है, बजट पे मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल रह सकता है, तो अभी आपको थोड़ा सा ट्रेडिंग से बचना है और अगर आपने इन्वेस्टिंग करना है तो उसमें भी थोड़ा सा गिरावट में आपको इन्वेस्ट करना है। देखिए मार्केट का क्या सिनेरियो होगा वो 1 फरवरी को पता चल जाएगा। 1 फरवरी को जैसे जैसे बजट आता जाएगा वैसे वैसे मार्केट में वोलेटिलिटी जो है ऊपर नीचे हो सकता है। अगर हम वोलेटिलिटी की बात करें तो यहाँ देखिए बैंक निफ्टी कितना ज्यादा वोलेटाइल है। देखिए बैंक निफ्टी यहाँ पर जबरदस्त गिरावट हुआ 24 जनवरी को, फिर देखिए यहाँ पर 25 जनवरी को जबरदस्त तेजी, फिर देखिए यहाँ पर काफी ज्यादा गैप डाउन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी फिर से ऊपर, फिर देखिए अगले दिन यहाँ पर जो है 28 जनवरी को बैंक निफ्टी काफी ज्यादा यहाँ ऊपर ओपन हुआ लेकिन काफी ज्यादा डाउन जाकर के क्लोज हुआ। तो कुछ इस तरह का वोलेटिलिटी है मार्केट में। इस तरह के वोलेटिलिटी में अभी आपको थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहिए, थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए मार्केट को। तो हमें यहाँ पर अपने ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, अगर इन्वेस्टिंग करना है तो जो गिरावट होता है उस गिरावट पे हम जो फंडामेंटली सॉलिड शेयर्स है, जैसे कि हम बताते रहते हैं अभी जो है स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स को थोड़ा सा अवॉइड करने का समय है। हमें बाय करने का है ब्लू चिप शेयर, जो ब्लू चिप शेयर है उसको गिरावट में आपको बाय करना है। जैसे यहाँ देखिए गिरावट में आपको मिला जैसे रिलायंस हो गया, HUL हो गया, TCS हो गया, इस तरह के शेयर को आपको बाय करना था, HDFC बैंक हो गया। तो हर सेक्टर में कुछ ना कुछ ब्लू चिप कंपनियां है, उस ब्लू चिप कंपनियों को बाय करना है क्योंकि ब्लू चिप कंपनियां जो होती है उसमें वोलेटिलिटी कम होता है, वो काफी ज्यादा स्टेबल होता है, उसमें कोई बड़ी गिरावट नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि स्टॉक 50% करेक्ट हो गया उसमें 10% गिरावट होगा तो 20% तेजी होगा। इस तरह से ये जो मार्केट का वोलेटिलिटी है इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। अभी अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो 1 फरवरी तक अवॉइड कीजिए, क्योंकि 1 फरवरी को जो मार्केट का इवनिंग टाइम होगा वहां पता चल जाएगा मार्केट किस ट्रेंड में जाने वाला है, ऊपर जाएगा मार्केट या नीचे जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा या अपवर्ड जाएगा, ये डायरेक्शन हमें 1 फरवरी को पता चल जाएगा। तो मार्केट के डायरेक्शन को पता करने के लिए आपको 1 फरवरी का वेट करना है, इंतजार करना है। 1 फरवरी को हमें शाम तक में मार्केट के डायरेक्शन का निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि बजट में किस सेक्टर के लिए क्या फेवरेबल आने वाला है। तो इसको जरूर देखिए, बजट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आता है कि आगे किस सेक्टर को, किस सेक्टर की कंपनीज को बेनिफिट होने वाला है, सरकार कौन नई पॉलिसी लेके आ रही है, तो सारे नए पॉलिसी पे आपको ध्यान रखना है। तो बजट काफी इंपॉर्टेंट ये होता है। अगर यहाँ पर वोलेटिलिटी की बात करें, देखिए ऑटो सेक्टर भी काफी ज्यादा वोलेटाइल है। देखिए यहाँ पर ऑटो सेक्टर देखिए काफी ज्यादा डाउन, फिर गैप अप, फिर देखिए इस तरह से जिस तरह से बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी देखने मिला उसी तरह से ऑटो सेक्टर में ही है, मतलब किसी एक डायरेक्शन में नहीं है। जैसे देखिए इधर आप देखेंगे तो डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ खास नहीं है। देखिए लगातार जो है मार्केट यहाँ पर वोलेटाइल है, तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी को अवॉइड कीजिए। ट्रेडिंग में इन्वेस्टिंग करना है तो गिरावट पे इन्वेस्ट करते रहना है क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट को ऊपर ही जाना है और अभी समय है ब्लू चिप कंपनियों में इन्वेस्ट करने का। तो उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा। तो मार्केट को वेट एंड वॉच कीजिए 1 फरवरी तक, और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह के एजुकेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़ रहिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।